नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। सात दिन घोर अंधकार समय आ चुका है, ये है असली भविष्यवाणी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सात दिवसीय घोर अंधकार के विषय में। देखिए, वैसे हमने आपको कई वीडियो में सात दिवसीय घोर अंधकार के विषय में समझाया है कि आखिर ये सात दिवसीय घोर अंधकार क्यों होगा और कैसे होगा। तो चलिए एक बार पुनः हम आपको फिर से बता देते हैं कि आखिर ये सात दिवसीय अंधकार क्यों होने वाला है। जो लोग हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उन्हें हम फिर से बता देते हैं कि ये सात दिवसीय अंधकार किस प्रकार से होने वाला है और उस दौरान आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए, भविष्यमालिका और भविष्यवाणी ये कहती है कि एक समय ऐसा आएगा कि सात दिवसीय घोर अंधकार, यानी कि सात दिनों तक चारों ओर आपको अंधकार ही अंधकार देखने को मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि अंधकार तो केवल रात्रि में होता है, दिन में तो सूर्यदेव अपना दर्शन देते ही हैं, तो उनके माध्यम से तो प्रकाश रहेगा ही। परंतु समझने वाली बात यह है कि ये जो अंधकार की बात कही गई है, देखिए यहाँ पर घोर जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर घोर अंधकार की बात की गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंधकार होगा वो घोर होगा। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर सूर्य देव भी दर्शन नहीं देने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर जो रात्रि होती है वैसा स्थिति चारों ओर हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे ही आपको अंधकार ही अंधकार देखने को मिलेगा। देखिए, आज भी विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर 6 माह तक अंधकार ही अंधकार रहता है और 6 माह तक प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ऐसी घटना नहीं घटती है, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, उस दौरान क्या होगा कि सूर्य देव भी किसी कारणवश बाधित हो जाएंगे और फिर चारों ओर आपको अंधकार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दौरान जो विद्युत है, जो बिजली है, वो पूर्णतया कट जाएगी। आप देखेंगे कि उस दौरान विद्युत रहेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हैं विद्युत के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं विद्युत पर इतना अधिक आज निर्भर हो चुका है कि आप देखिए कि उसका भोजन भी है, उसका जो समय है, उसका जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि विद्युत पर ही निर्भर हो चुका है। यदि विद्युत ना हो तो कहीं ना कहीं वो भूखे मर जाएगा। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य विद्युत पर कितना अधिक निर्भर हो चुका है। यदि हम आधुनिक यंत्रों की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें या फिर टेलीविजन इत्यादि की बात करें, तो आप देखिए कि ये भी जितने भी यंत्र हैं, जो कि आधुनिक यंत्र आप कह सकते हैं, ये सभी यंत्र भी बिना विद्युत के नहीं चल सकते हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि विद्युत जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो सात दिनों तक जब अंधकार होगा, चारों ओर जब आप देखिए विद्युत भी चला जाएगा, तो उस समय जो मनुष्य है वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल रूपी जो यंत्र है उसके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से वार्ता करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस दौरान क्या स्थिति रहेगी कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा। एक दो दिवस के लिए नहीं, ये अंधकार पूरे सात दिनों के लिए होगा। सप्त दिवसीय अंधकार इसीलिए कहा गया है। तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये अंधकार क्यों होगा, ये हम आगे समझेंगे। परंतु जब ये अंधकार होगा तो आप अपने संबंधियों से कैसे वार्ता कर सकते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों से कैसे बात कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि आधुनिक यंत्र तो इसमें कार्य नहीं करेंगे, परंतु पुराने जितने भी यंत्र हैं जो बैटरी इत्यादि से चला करते, जैसे यदि हम पुराने रेडियो की बात करें, पुराने टेलीविजन की बात करें, तो यदि आपके पास पुराने रेडियो इत्यादि हैं, पुराने टेलीविजन इत्यादि हैं, तो उसके माध्यम से आप अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं, आप अपने मित्रों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुराने यंत्र हुआ करते थे, ये देखिए तरंगों पर कार्य किया करते थे, जिसके कारण इन्हें किसी भी आधुनिक चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक तरंगों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यदि आपके पास ये पुराने यंत्र हैं, तो निश्चित रूप से आप इस अंधकार में भी राष्ट्र में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, ये सभी समाचार इत्यादि पा सकेंगे। परंतु यदि आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं कठिन समय में चले जाएंगे, आपके ऊपर संकट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है या फिर आपके राष्ट्र में क्या हो रहा है। आप अपने परिवार से बात नहीं कर सकते, आप अपने मित्रों से बात नहीं कर सकते, आप अपने जानकार व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि वो स्थिति क्या रहेगी जहां पर केवल और केवल अंधकार ही अंधकार होगा। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि हम एक समय में, आप देखिए कि ऐसा लगेगा कि हम पाषाण युग में चले गए हों, जहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, लोग वनों में रहा करते थे और वहां पर जीवन यापन किया करते थे। तो इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। परंतु जिन लोगों के पास वो पुराने यंत्र होंगे, वो निश्चित रूप से अपनों से बात कर सकेंगे, अपने मित्रों से बात कर सकेंगे, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये अंधकार कब होगा। वैसे
इसको लेकर के हमने पूर्व में कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये अंधकार किस प्रकार से होगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सच में ये अंधकार कब होगा, यानी कि हम आपको आज दिनांक बताने जा रहे हैं कि ये अंधकार कब होने वाला है। तो देखिए, इस अंधकार की यदि हम बात करें तो ये अंधकार 2025 में होगा और जुलाई का जो महीना रहने वाला है, जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में ये होने वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि यही वो दो महीने हैं जिसमें ये अंधकार होगा। तो अब जो है, हमने आपको दिनांक भी बता दिया। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे कि आखिर ये अंधकार कब होगा, आप दिनांक बताइए कि सच में ये अंधकार कब होगा। तो आप इसे लिख करके रख लीजिए, इसी समय में ये घोर अंधकार होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी गोपनीय जानकारी है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगी। इस अंधकार का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आपकी जितनी भी गोपनीय जानकारी है उसे चुरा लिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। यानी कि हम सीधे तौर पर कहें कि जब ये अंधकार होगा उस दौरान, और जब ये अंधकार समाप्त हो गया होगा उस दौरान आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ही अंधकार समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी गोपनीय जानकारी थी, आपका जितना भी धन बैंक इत्यादि में रखा हुआ था, वो सब कुछ समाप्त हो जाए। यानी कि एक झटके में आप कह सकते हैं कि धरातल पर आ जाएंगे, आपका जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाने वाला है। देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो जो अंधकार होगा वो कितना खतरनाक रहने वाला है। देखिए, ये अंधकार कौन लोग करने वाले हैं? ये अंधकार वो लोग करने वाले हैं जो कलि को पूजते हैं, जो कलियुग को पूजते हैं। यानी कि उनका मानना ये है, उनका सोच ये है कि कलियुग ही भगवान है, कोई परमात्मा नहीं है। वो लोग कलियुग को ही अपना परमात्मा मानते हैं, कलियुग को ही अपना भगवान मानते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है, और वैसे भी कहा जाता है, जब चर्चाएं होती हैं तो कहा जाता है कि कलियुग जो है वो सीधे सीधे अंधकार से जुड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कलियुग का जो प्रतीक है वो अंधकार। ये लोग ये सिद्ध करेंगे कलियुग ही भगवान है, और सभी लोगों को ये विवश करेंगे कि वो लोग कलियुग की पूजा करें, यानी कि ये परमात्मा को खारिज कर देंगे, परमात्मा के सिद्धांत को खारिज कर देंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे। परंतु वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता यही है कि परमात्मा है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं। भगवत गीता में हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से बताते हैं कि जब जब इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, सज्जनों पर अत्याचार होता है, तब तब मैं पार्थ आता हूँ, किसी न किसी रूप में आता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भगवत गीता में स्पष्ट परमात्मा बता रहे हैं। परंतु इन लोगों को ये भ्रम है कि परमात्मा नहीं है, इसीलिए ये लोग कलियुग की पूजा करते हैं, कली की पूजा करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये अंधकार कितना खतरनाक रहने वाला है। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अंधकार का जो उद्देश्य है वो सबसे खतरनाक रहने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि ये अंधकार किस प्रकार से होने वाला है। हम जुड़ रहे हैं अतिशीघ्र। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र। तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।